स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों कुछ जानकारी लेकर के आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ। ट्रकों से रिलेटेड आपको बिजनेस किस तरह से मिल सकता है, इसकी जानकारी एक्चुअल में हमारे एक मित्र हैं और हमारे चैनल के एडवाइजर भी हैं, अजय पांडे जी, जो बॉम्बे से काम करते हैं, अपना जॉब करते हैं, वहाँ पर ट्रकों का प्लेसमेंट वो भी करते हैं। तो उन्होंने मुझे दिया है और उन्हीं के दिए हुए डिटेल्स को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो डिटेल्स है दोस्तों इस तरह से कि अगर आपके पास कंटेनर ट्रक है खास करके, इसके बाद आपके पास अगर टॉरस है, खास करके 16 टन का टॉरस या फिर 20 टन की टॉरस की मैं बात करूँ तो, और कंटेनर में आपका हो गया 6 टन वाला कंटेनर, मतलब 20 फुट का कंटेनर, 24 फुट सिंगल एक्सल, 32 फुट का डबल एक्सल, 32 फुट का ट्रिपल एक्सल, 32 फुट का, और साथ में जितने भी नए फिटनेस वाले कंटेनर ट्रक आए हैं उसके बारे में। तो ये सारे ट्रक आप लॉजिस्टिक कंपनी में कैसे अटैच करवा सकते हो, उसका तरीका क्या है। लॉजिस्टिक कंपनी जो लोगों को पता होगा अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता मैं एक बार जानकारी दे देता हूँ। लॉजिस्टिक कंपनी जैसे दोस्तों हो गया आपका TCIO, मिट्रांस, वरुणा, स्कॉर्पियन, सुगम, इसके बाद आपका हो गया CCM कोचिंग कार्गो मोबर्स, कल्याटन, अविनाश कार्गो, मतलब SEPL, तो इस तरह की जो भी कंपनी है सारे के सारे रीजनल या फिर सेंट्रल, मतलब पैन इंडिया लेवल पे काम करते हैं लॉजिस्टिक के लिए। लॉजिस्टिक का सर्विस का काम होता है इनका। इसमें दोस्तों होता क्या है कि आप अगर ट्रांसपोर्ट का काम करते हो तो आप क्या करते हो, मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह डायरेक्ट ट्रक में लोड करके भेज देते हो। लॉजिस्टिक में काम होता है कि उनके पास मटेरियल आता है, उसको अपने गोदाम पर स्टोरेज करते हैं, फिर वहाँ से अलग अलग ट्रकों में अलग अलग दिशा में भेजा जाता है। और ये जो ट्रकें भेजी जाती है इसको बोलते हैं रूट प्लानिंग। हर कंपनी अपने बिजनेस को, अपने मटेरियल को टाइमली डिलीवर करने के लिए एक रूट प्लानिंग करता है, टाइमली रूट प्लानिंग करता है। ये रूट प्लानिंग दोस्तों दो तरह का होता है। पहला होता है पॉइंट टू पॉइंट, मतलब कि दिल्ली से मुंबई जा रही है गाड़ी तो दिल्ली से निकलेगी डायरेक्ट मुंबई जाएगी। दूसरा होता है दोस्तों हब एंड स्पोक सिस्टम, जहां पे कि ट्रक जो है बीच में दो तीन जगह पे रुकते हुए जाता है, वहां से मटेरियल वहां पे कुछ अनलोड करता है, फिर वहां मटेरियल लोड करता है, फिर मटेरियल अनलोड करता है, फिर मटेरियल लोड करता है। ये जो तरीका है ये किस तरह से काम करता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका बताने का मकसद ये है कि इससे रिलेटेड आपके पास बिजनेस जनरेट होगा। जैसे दिल्ली से गाड़ी निकली बॉम्बे जा रही है तो टचिंग पॉइंट बीच में हो सकते हैं, जैसे हो गया आपका जयपुर, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, पालघर, अंकलेश्वर, बापी, इस तरह के जो बीच के जो रास्ते हैं ये सारे आपके टचिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और उसको टच करते हुए गाड़ी वहां जाएगा, वहां से अनलोड करेगा, फिर लोड करेगा, वहां से कुछ मटेरियल और आगे के लिए निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं दोस्तों हब एंड स्पोक सिस्टम, जो कि ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक में यूज होता है। तो आज के डेट में बहुत सारी कंपनी जो है ये दो तरह से गाड़ियों का मांग करता है। पहला होता है जो पॉइंट टू पॉइंट चलता है, दूसरा होता है जो हब एंड स्पोक मॉडल पे चलता है, जहाँ पे कि बीच बीच में ट्रक जो है कहीं ना कहीं रुकता है, वहाँ से मटेरियल लोड और अनलोड होता है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी है दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया जितने भी कंपनी का नाम, ये थोड़ा सा ही कंपनी है। गूगल पे आप जाओगे तो तकरीबन इंडिया में 4400 या 44000 ऐसी कुछ है, नंबर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, इतना लॉजिस्टिक कंपनी है इंडिया में जो कि रीजनल स्टेट एरिया लेवल पे काम करता है। और इसको हमेशा ट्रकों का जरूरत होता है। और पिछले 3 साल में जितनी भी कंपनी है इंडिया के अंदर लॉजिस्टिक की, वो ज़्यादा से ज़्यादा रूट प्लानिंग करके ही अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। रूट प्लानिंग करने पे दोस्तों होता क्या है कि उनका कॉस्टिंग जो होता है वो कम हो जाता है, बट आपको भी प्रॉफिट यहाँ पे ये मिलता है कि आपके ट्रक के लिए हमेशा मटेरियल अवेलेबल होता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि दिल्ली से बॉम्बे के लिए गाड़ी निकलती है, दिल्ली से अगर आपने उस किसी कंपनी में अटैच किया, दिल्ली में आपका गाड़ी लोड हुआ, बॉम्बे गया, बॉम्बे में अनलोड हुआ, फिर बॉम्बे में उसी वेयर हाउस से या उसके नियर बाय तो और वेयर हाउस जो भी होगा वहीं से आपका ट्रक वहां से भरेगा, वो फिर दिल्ली आएगा, दिल्ली आकर के फिर वहां पर मटेरियल लोड करेगा, फिर यहां से लोड करके फिर बॉम्बे के लिए निकलेगा। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट रूट प्लानिंग। और रूट प्लानिंग के तरह ही यहाँ से मटेरियल निकलता है। यहाँ पे जो रेट काम करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे जो रेट काम करता है वो काम करता है 60-40 या 70-30 के हिसाब से। जैसे कि मैं बात करूँ दिल्ली टू बॉम्बे, बॉम्बे टू दिल्ली का जो रेट होता है वो तकरीबन होता है 1,10,000 का।
कहीं पे भी पॉइंट नहीं टच होता है, 1,05,000 1,10,000 ऐसे ही चलता है। अलग अलग ट्रांसपोर्टर अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से अटैच करवाती है। कुछ कंपनियों जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे आप फ्लिपकार्ट की बात करते हो तो 1,00,000 से ऊपर उसका अटैचमेंट है। वहीं पे अगर दूसरे कोई लॉजिस्टिक कंपनी लेते हो तो 1,05,000 1,10,000 1,15,000 का होता है। बट अप एंड डाउन जो है 3,000 किलोमीटर आपकी गाड़ी चल रही है दिल्ली टू बॉम्बे, बॉम्बे टू दिल्ली का, यहाँ पे जो आपका कॉस्ट होने वाला, जो खर्च होने वाला है सब मिला करके, वो तकरीबन जो खर्च होता है वो होता है 80,000 से 85,000 रुपये। मतलब कि आपका 25,000 से लेकर 30,000 का एक ट्रिप में आपको प्रॉफिट होता है। अब ये एक ट्रिप जो है होता कितने दिन का, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। 3 दिन या 2.5 दिन का ट्रांजिट टाइम दिया जाता है गाड़ी वाले को कि आपको यहाँ से गाड़ी निकालना है तो 72 घंटे में 60 घंटे में आपको बॉम्बे पहुँचना है। बॉम्बे में आपका गाड़ी 12 घंटे के अंदर लोड होगा, वो फिर वहाँ से निकलेगा, दिल्ली आएगा, फिर दिल्ली में 12 से 15 घंटे का टाइम दिया जाएगा लोड होने के लिए, फिर यहाँ से मटेरियल बढ़ेगा और बॉम्बे के लिए जाएगा। तो लॉजिस्टिक कंपनी आज के डेट में इस तरह के ट्रक वाले बहुत खोज रहे हैं जिनको कि वो अटैच कर सके अपने साथ, और इसके साथ ही वो अपना बिजनेस भी कर सके। इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनी भी जो है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मंत्रा हो गया, स्नैपडील हो गया, इस तरह के जितनी भी कंपनी है, ये लोग भी इस रूट प्लानिंग के ऊपर काम करते हैं। पेमेंट भी इनका अच्छा होता है, ई कॉमर्स कंपनियों का तो खास करके पेमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपको बहुत ज़्यादा टाइमली जो है पेमेंट भी मिल जाता है। तो इस तरह से बिजनेस कर सकते हो इन लोगों से जुड़ करके। बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आप कॉन्टैक्ट किससे करोगे किसी भी कंपनी में, तो आज मैं उसकी जानकारी आपको देता हूँ कि अगर आप इस तरह के कंपनियों में कॉन्टैक्ट करते हो, चाहे आप TCI में जाओ, वी ट्रांस में जाओ, वी एक्सप्रेस में जाओ, वरुणा में जाओ, स्कॉर्पियन में जाओ, स्टेलर में जाओ, सुगम में जाओ, ACPL में जाओ, क्लेटन में जाओ, हर कंपनी में 2-3 बंदा होता है जो गाड़ियों के अटैचमेंट पे काम करता है। पहला होता है ऑपरेशन हेड, जिसको जो कि पूरे पैन इंडिया के ऑपरेशन को लीड करता है। दूसरा होता है लॉजिस्टिक मैनेजर, जो कि लॉजिस्टिक जो एक्चुअल में ऑपरेशन से रिलेटेड होता है, जहां पे कि अलग अलग वेयर हाउसों को देखना उनका काम होता है। तो लॉजिस्टिक मैनेजर जो है इनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप और गाड़ी अपना अटैच करा सकते हो। तीसरा होता है लॉजिस्टिक एग्जीक्यूटिव, आप इनसे भी बात करके अपनी गाड़ी अटैच करवा सकते हो। चौथा होता है सप्लाई चेन मैनेजर या सप्लाई चेन हेड, इनका भी काम होता है गाड़ियों तक पहुंच करके, लोगों से कांटेक्ट करके वहां से गाड़ी अटैच करवाना। और इसके बाद एक और होता है, उसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट मैनेजर, जिनका काम होता है टाइमली गाड़ी अटैच करवाना, मटेरियल को सही से गाड़ी पर लोड करवाना, उसको एक जगह से दूसरे जगह के लिए भेजना। तो ये 6-7 पोस्ट जो है, डेजिग्नेशन जो है, किसी भी कंपनी में ट्रक लगाने का काम करते हैं। तो अगर आप किसी भी कंपनी में कॉल करते हो, मानो कि आपने कोई XYZ कंपनी में कॉल किया लॉजिस्टिक में, और आप वहां पे बोलो कि हम मुझे आपके मतलब ऑपरेशन हेड से बात करना है, जो ऑपरेशन हेड है, अगर आपसे पूछेगा भी कोई कि क्या बात करना, किससे रिलेटेड बात करना, तो सीधा बोल सकते हो कि मुझे गाड़ी अटैच करवाना, उससे रिलेटेड बात करना है। आपका कॉल उन लोगों के साथ अटैच कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, वहां से आप बात कर सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं जहां से कि आप लॉजिस्टिक कंपनी में या फिर ई कॉमर्स कंपनियों में अपने ट्रक को ऐड कर सकते हो। खास करके यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कंटेनर ट्रक अटैच होता है, उसके बाद आपके जो टॉरस टाइप के ट्रक है वो अटैच होता है, वो भी आप अटैच करके चला सकते हो। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी जो मैं आज लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे जरूर बताइए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी आइडिया होगी किसी भी कंपनी के साथ लोड कैसे लिया जाता है, कैसे बिजनेस लिया जाता है। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए डील्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।